नाजरीन जेके न्यूज़ पॉइंट देख रहे हैं आप, मैं हूं सब अंसारी। नाजरीन इस वक्त मौजूद है ज़िला गांधरबल के तुलमला इलाके में, जहां पर माता खीर भवानी का एक बहुत बड़ा मंदिर है और जहां पर कल मेला लगने वाला है। लेकिन इंतजाम अगर आप आज से ही देखें तो आज से शुरू कर दिए गए हैं और एक अच्छी खासी भीड़ हमें आज भी यहाँ पे डिवोटीज़ की देखने के लिए मिल रही है। बात अगर ट्रैफिक पुलिस के हवाले से भी करें तो उन्होंने भी एडवाइजरी जारी की है और रूट प्लान्स बताए हैं कि यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको कौन सा रूट लेना है ताकि ट्रैफिक जाम जैसी कोई भी सिचुएशन जो है वो अराइज ना हो। साथ ही में अगर आप यहाँ पर देखेंगे, मैं अपने कैमरा पर्सन से गुजारिश करूँगी यहाँ के विजुअल्स आपको दिखाएं, तो यहाँ के विजुअल्स अगर आप देखेंगे तो हर एक डिपार्टमेंट आपको यहाँ पर एक्टिव नजर आएगा। और इंतजाम की अगर हम बात करें तो इंतजाम यहाँ पर पूरे किए गए हैं ताकि जो डिवोटीज़ है वो किसी भी तरीके की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। हम एम्बुलेंस की बात करें, ट्रैफिक कंट्रोल रूम से बात करें या फिर पूरी जो भी इंतजामिया है, ज़िला इंतजामिया जो भी है, वो हमें यहाँ पर बड़ी एक्टिव नज़र आ रही है। तो चलिए लिए चलते हैं आपको मंदिर के अंदर और दिखाते हैं कि मंदिर के अंदर के इंतजाम कैसे हैं। मौजूद है मंदिर के अंदर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो डिवोटीज है उनके लिए टेंट लगाए गए हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से गुजारिश करूँगी कि यहाँ के विजुअल्स आपको दिखाए कि यहाँ पे टेंट लगाए गए हैं और दूर दूर से जो श्रद्धालु है, डिवोटीज है, वो यहाँ पर पहुँचे हैं और कल यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला लगने वाला है और उसी मेले को अटेंड करने के लिए यहाँ पर आज ये तमाम श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। आप कहाँ से? हम जम्मू से हैं। जम्मू से कब आया? हम कल आए थे। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? तो अच्छा लग रहा है, लेकिन कल जो आए थे ना हम, हाँ, तो हमारी कंडीशन बहुत खराब। अच्छा, हम थोड़ा सा इधर एक तो कोई अरेंजमेंट नहीं था इधर, शाम को जब पहुंचे अरेंजमेंट ना खाने का ना रहने का ना कुछ भी अरेंजमेंट नहीं था इधर। अभी कैसा है? आज तो सो सो है, सो सो, इतना भी बोलो कि नहीं है, सो सो है आज। और क्यों, अब कौन कौन आया आपके साथ? हमारे साथ जी बहने हैं और अच्छा। भी सारे बहुत सारे लोग हैं। और सफर में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, सफर में भी नहीं हुई, जो रामपुर में हमें खाना ही नहीं मिला। अच्छा, क्यों? कमी हुआ था वो अपना घर से लाया था, वो ही खाया, वो कोई भी नहीं। आज खा लिया खाना? हाँ जी, हाँ जी, खा लिया खाना। चले, लेकिन अच्छा तो बहुत लगा, माँ के दरबार में बैठे हुए हैं। हम तो सोचते हैं कि हर साल माता रानी हमें बुलाए तो हम आए। तो हर साल आते हैं आप? पहली बार आए? नहीं, मैं तो हर साल लास्ट ईयर नहीं आई थी, अदरवाइज मैं हर साल आती हूँ। नाम क्या है? सुनील धर, मैं जम्मू से आया हूँ। कब आया? हम कल आए थे, जम्मू से बसों में आए थे। यात्रा जो निकली थी जम्मू से? जी हाँ जी। तो कैसा लगा यहाँ के? ठीक है, थोड़ा कल बारिश शारी थोड़ी सी हुई थी, उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन अभी आज तो सीट डिस्ट्रिक्ट एंड आई थी, सीट ठीक कर दिया, टेंट लगा दिया, वो कर दिया। थोड़ा कल थोड़ी दिक्कत आई थी रात को, फिर हम वहाँ स्कूल में गए, यहाँ तो बाहर बैठ नहीं सकते थे। हाँ, तो मौसम खराब था ना, स्कूल में चले गए, हायर सेकेंडरी स्कूल में चले गए शाम को। तो पुलिस कॉल में एक बस थी, हमें एक बस वहाँ चली गई, दूसरा स्कूल था, एक प्राइमरी स्कूल, वहाँ पर भी लोग बैठे थे। तो सवेरे सवेरे हम यहाँ पे आ गए क्योंकि मौसम अच्छा हो गया, धूप निकली है, तो ये टेंशन हो रही है। नीचे कारपेट वारपेट बिछाना किया शुरू, डीसी साहब भी आए थे यहाँ पर, तो शुरू हो गया। अच्छा लग रहा है? अच्छा है, अभी ठीक है इंतजाम है, आज ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं, ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है। अच्छा है। हमने आप तक रिपोर्ट पहुंचाई सीधा माता खीर भवानी से और हमने यहाँ पर डिवोटी से भी बात करी और जैसा कि उनका कहना था कि कल मौसम खराबी की वजह से कुछ मुश्किलों का उनको सामना करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद आज सुबह यहाँ पर डीसी गांधरबल खुद पहुंचे और सारी सिचुएशन को मॉनिटर किया। और अब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भी डिवोटीज आए हुए हैं, जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं, उन्हें अब ठीक लग रहा है और जो भी परेशानियाँ उन्हें कल हुई थी वो काफ़ी हद तक अब कम हो चुकी है। कैमरा पर्सन मीर कैसर के साथ मैं सब अंसारी जेके न्यूज़ पॉइंट।